12 बजे के हम तैयार हुए हैं और अभी तक अभिषेक आया नहीं है। डेली व्लॉग हथिया लेकर मेरा आके। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हर्ष मल्होत्रा शॉर्ट्स। भाई साहब, हम 2 घंटे के तैयार होकर बैठे हैं, आए क्यों नहीं? हेलो गाइस एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर YouTube चैनल इंडियन ट्रैवल सिंह। दैट्स कॉल्ड एन इंट्रो। ओह माय गॉड। और मैं बेबी, जो लोग F1 देखते हैं, मैं ड्राइव टू सर्वाइव सीजन 4 आया वो देख रहा हूँ। F1 पता है, कार चलती है। हाँ, वो चार टायरों पे भगती है वो। कार चार टायरों पे भगती है। ओह माय, मेरा चलता है। मैं तो ऑटो चला हूँ। आज मैं अपना चैलेंज वाला वीडियो एडिट कर रहा था भाई, जो हंसी आई। कौन सा वाला चैलेंज? अपना फूड वाला। हाँ, फूड वाला चैलेंज वाला। दिस इज क्या होता है, वाड़ी लॉल्टी वॉल्स। भाई इतनी हंसी आई है मेरे को एडिट करते करते। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मजा आ गया होगा अभी तक तो। भाई भयंकर था वो, भयंकर। तो आज क्या प्लान है? आज जाएंगे हम मिनी स्विट्जरलैंड। जा रहे हैं स्विट्जरलैंड है। मिनी मालदीव्स। मिनी मालदीव्स एक तरीके से मिनी मालदीव्स है वो। ब्यूटीफुल गर्ल्स। पक्का है ना चल रहे हैं? क्योंकि ये कम से कम 1 महीने से प्लान कैंसिल होता आ रहा है आज। क्या? अरे यार कालू, तेरे को ही आग लग रही थी बीच में गोवा जाने के लिए, तो अपन मालदीव जाए थे। क्यों गोवा गए भाई? अपन आराम से किशनगढ़ जाके भी आ सकते थे, लेकिन भाई साहब को जाना था गोवा। गोवा तो नहीं जाएंगे। गोवा नहीं जाएंगे? किसी को प्लान ही नहीं बताऊंगा मैं कुछ। अब सीधा जिस दिन जहाँ भी हम जाएंगे ना, हम पहुँच जाएंगे और पहुँचने के बाद एक व्लॉग शूट कर लेंगे, तब पता चलेगा आपको कि हम यहाँ पहुँच गए। गोवा भी चुपचाप पहुँच के बताएंगे नहीं किसी को, क्योंकि ये बता देता हूँ ना मैं तो मेरे प्लान्स कैंसिल हो जाते हैं बहुत सारे। सुबह आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत मस्त ऐप जिसका नाम है रमी सर्कल। ये एक स्किल दिखाने वाली बिल्कुल सेफ गेमिंग ऐप है जिस पर आप रमी खेलकर इजीली पैसे जीत सकते हैं। रमी सर्कल एक सेफ एंड सिक्योर्ड ऐप है जहां पर 1 करोड़ से भी ज़्यादा एक्टिव प्लेयर्स हैं। तो अगर आपको रमी खेलना आता है तो आप इस पर खेल कर पैसे जीत सकते हो, और अगर आपको नहीं खेलना आता तो आप इस पर प्रैक्टिस गेम्स खेल कर सीख सकते हो और फिर कैश गेम खेल कर ईजिली पैसे जीत सकते हो। इस पर डिपॉजिट के सबसे सेफ तरीके हैं, चाहे वो पेटीएम हो, फोनपे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के द्वारा आप डिपॉजिट कर सकते हैं, और पहले डिपॉजिट पर आप 2000 तक का वेलकम बोनस जीत सकते हैं। रमी सर्कल पर रमी खेलना काफ़ी आसान है और यह फ़ोन में काफ़ी स्मूथली भी चलता है, आप खुद इसे स्क्रीन पर देख सकते हैं। गाइस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां से जाके आप अभी डाउनलोड करें, रजिस्टर करके डिपॉजिट करते ही आपको 2000 रुपए तक का वेलकम बोनस मिल जाएगा। तो जाओ रमी खेलो और कैश जीत। इस खेल में वित्तीय जोखिम अच्छा मिला और आपको नशे की लत भी लग सकती है, कृपया खेल को अपने जोखिम पे और जिम्मेदारी पर खेलें। 2:40 हो रही है और हम निकल चुके हैं किशनगढ़ डंपिंग यार्ड के लिए। इसका मन नहीं था जाने का, इसको डर लग रहा था आज भी कैंसिल हो जाएगा, पर थैंक्स टू बानू इसलिए तो मैं ऐसे मुंह उठा के बस आ गया। ऐसे मैं क्या, सभी मुंह उठा के ही आए हैं मेरे हिसाब से, सारे के सारे है ना, ऐसे आए ना सारे एकदम। ये तैयार हो क्या है गाय के लिए? एंड टाइम पे बोले सब, चलो ये मेरे को सुबह मैसेज करता है, मीकू क्या सीन है? हाँ, मेरे को भी बोलता है क्या चल रहा है, नहीं चल रहा। मैं कहा मीकू तो सो रही है, उसका फोन भी बंद है, यानी फोन गलत कर रही थी। गोवा के कपड़े भाई साहब हर जगह पहन के चल देता है, जहाँ देखो फूलों वाली टी शर्ट, फूलों वाली शर्ट, फूलों वाला पजामा, और क्या है भाई, अंदरूनी बातें तो मैं नहीं जानता। अंदरूनी फूलों वाला ही खरीद रखता है कि गोवा का फील आया भाई पूरा। लेकिन ऐसा फील आ रहा है ना भाई, क्या बताऊँ तुम्हें मैं। बहुत दिन से हमारा ये जो प्लान था, आज फाइनली हमारा ये प्लान सक्सेसफुल होने जा रहा है। इसी तरीके से एक आध दिन गोवा भी जाएंगे हम भाई। हाँ जाएंगे जाएंगे जाएंगे, कब जाएंगे ये नहीं बताएंगे लेकिन जाएंगे। ठीक है, और कौन कौन गया पहले? गोवा बहुत लगाना बुरा लगाना कल। अबे किशनगढ़ तू जाया, गोवा तू जाया, किशनगढ़ गया तू भी? गया तू? गया है? तू तो तू तो कहीं नहीं गई जीवन में। मैं आगे टच के चक्कर में आगे चली। तो ये बानू गया हुआ है और यही लेके जा रहा है हमको, तो अगर कोई दिक्कत हुई तो इसी को जिम्मेदार है, जिम्मेदार यही है। और अगर अच्छा नहीं निकला तो आप पिटोगे? बस अच्छा तो निकलेगा मेरे को, क्योंकि भाई बहुत लोगों ने रील और वो भेज दी कि इधर जाओ, ये आपके राजस्थान में ही आपके घर के पास ही, इधर जाओ। मैं कहा ठीक है जाते हैं। अब इतने प्यार से बोलते लोग तुझे, मुझे तो लगा था जाए ना। बानू को पिछले 15 मिनट से सुसू आ रही है और ये 120 और ये कारण है जिसकी वजह से सुसू आ रही है, उसको नहीं आ रही थी अभी तक। ये भी 120 130 160 तक खींच रहा है आराम से गाड़ी बढ़िया, और ये कह रहा भैया धीरे चलाओ, सुसू आ रही है भैया धीरे चला। बानू 5 मिनट रुक गया, तेरा प्रेशर गाड़ी में रिलीज करो। चलो मेरे एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। देखो कैसा रहा आपका यहाँ तक? अरे भाई ये गोवा ना 2 दिन की जगह 1 दिन में पहुँचा देगी जिस हिसाब से गाड़ी चला रही है। एक दिन तुम्हें लगता है पूरा लगेगा? पीछे सीट को पकड़ के ऐसे बैठी थी मैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बहुत अच्छे से चलाता हूँ। वो तो आज क्या रोड वगैरह पूरी एकदम खाली पड़ी थी, हाँ इसलिए। वैसे गाड़ी तो अच्छी चलाते ही तो कहना पड़ेगा। थैंक यू सो मच मीकू जी, मेरे को जान प्यारी है ना भी आ जाएगी।
अभी 4:15 बजे हम लोग पहुँच गए फिक्स बढ़िया एकदम, और किशनगढ़ डंपिंग यार्ड की तरफ जा रहे हैं, और अपने साथ भाई है भानु के, भैया क्या नाम है भैया? करण नाम है। तो ये बता रहे हैं कि ये जो रोड है पूरी 100 किलोमीटर तक सिर्फ इस पर मार्बल ही मिलते हैं, सिर्फ मार्बल्स की दुकान है, और एशिया की सबसे बड़ी मंडी है मार्बल की, यानी हर टाइप के मार्बल, हर टाइप के पत्थर जो होते हैं ना, सारे पत्थर मिल जाएंगे इस रोड पे। ये आर के मार्बल, और ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस आर के मार्बल का भी इधर है, ये रहा, ये देखो ऑफिस देखो भाई साहब, इनका ऑफिस मेरे घर से बहुत पूरा, ये पूरा ये इतना बड़ा है भाई आर के मार्बल है, पीछे इसमें खड़े पार्किंग में, और भानु और भैया गए परमिशन लेने तारों के नीचे डंपिंग यार्ड जाने के लिए, आपको परमिशन चाहिए होती है, आधार कार्ड लेंगे, आधार कार्ड की कॉपी जो भी है वो लेंगे, और फिर आपको परमिशन देंगे। तो भैया बोल रहे हैं मैं करवा दूंगा, मैं देख लूंगा, बाकी हमको तो बोला चिल कर, हम तो चिल कर रहे हैं। बाकी मेन रीजन ये कि ये जो मुन्नी है घर छोड़ना है तो हम परमिशन लेना है। फाइनली भाई पहुंच गए, देखते हैं चल के कि क्या है ये, हम लोग भी लाइफ में फर्स्ट टाइम देखने आए हैं इसको, देखना मुझे इतनी और सिर्फ मैं देखने से ऐसा है कि मेरे को बहुत लोगों ने बोला कमेंट कर करके कि जाओ क्या हो जा क्या हो जाके, इसलिए आया हूं मैं, वरना मेरा ऐसा जब से हम सांभर गए ना मन तो नहीं था यहाँ आने का, क्योंकि होता कुछ है नहीं, वो सफेद चादर होती है वो देख लो बस, दूर तक बिछी और कुछ इतना खास होता नहीं, देखते हैं चल के, बाइकिंग एक्सपीरियंस लिया था वहां पे। हां बाइक वाइक गाड़ी वाड़ी चलाने में मजा आता है, इसमें तो चलाने नहीं देते, ऐसे अंदर ले जाके ज्यादा खड़ी कर लोगे, देखते अभी हमको भी नहीं पता भाई, देखते अंदर जाके। So guys, we are at किशनगढ़ डंपिंग यार्ड। Finally भाई, और यहीं से बहुत है ना बढ़िया, हमें सब अफसोस हो रहे हैं ना कि तैयारों के नीचे तक फोटो निकल जाती, चलो तैयार व्यार होके आए नहीं, और ये देखो तुम तो, ये देखो मेरी ब्लैक शर्ट हुआ करती थी, कैसी लग रही है मेरी ब्लैक शर्ट। यहाँ पे बताया आपको कैमरास अलाउड नहीं है, यहाँ पे आप सिर्फ फोन से शूट कर सकते हैं, इसलिए हम आईफोन पे स्विच हो चुके हैं, मेरे पास नहीं है, हर्ष वाला लेके स्विच हूँ मैं, बोला लोग बोले बे तू अमीर का हुआ ना, फोन कब लिया तूने, कालू तेरा ही है जो तूने ले, वो मुझे दे दियो, ये तू रख ले, गेमिंग स्टूडियो या बोल भाई बाहर आ चुके फाइनली, और हमारे सामने ये जो ब्लैक शर्ट थी बहुत ही प्यारी लग रही है मुझे, ये छोड़ हमारे सामने का व्यू इतना प्यारा है ना, तुमको दिखाएंगे नहीं, तो ये पूरा व्यू है यहाँ पे भाई, हवा तेज चल रही है, फटफट की आवाज थोड़ी सी मैनेज कर लेना, पूरा सफेद ही है दूर दूर तक, और ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये बहुत प्यारा पॉइंट है, और यहीं पे देखो सामने प्री वेडिंग शूट भी हो रही है, ओ भाई भयंकर लग रहा है यार, ये चप्पल इतने रखी ताकि सफेद होके वापस आए, चप्पल है ना जो गोबर दिखा रहे थे भाई साहब, मैं तो यूं चल रहा था चप्पल निकल के चली गई, तो अच्छा पानी में नहीं गई, मतलब पैदल पैदल घूमता मैं, चप्पल की तो तरह मैं देख रहा हूँ तू पानी में नहीं गया, पानी में जा नहीं सकते, ये पानी में नहीं जा सकते, इसमें कम से कम ये अगर गए ना तो तुम्हारी हाइट से भी ये भानु भी डूब जाएगा इसमें, इतना दलदल है, वापस नहीं निकल पाएंगे ना, दलदल है पूरा देखना दिख रहा है, और ये पानी है स्टिल लग रहा है, लेकिन फ्लोइंग वाटर है क्योंकि हवा की वजह से तेज हवा चल रही है, देखो ये देखो भाई खतरे के, ये देखो वहाँ पे, ये देखो इधर से, और ये पूरा दलदल साफ दिख रहा है इसमें, भैया आप मत जाओ, इसमें परमिशन आप ही लाओ, अगली बार कौन लाएगा, आप मत जाओ, भानु को भेज दो, काटू जान जी जाना है, मैं जा रहा हूँ। हाँ जा गाड़ी तो मैं चला लूंगा, गाड़ी तो करो, गाड़ी भी चला लूंगा, भेजा था कि पूछ क्या कि घोड़ा कितने पर है, घोड़े वाला कितने पैसे लेता है, वो बोलता आ जाओ चलो बैठो, सामने आ रहा है द हॉर्स इज कमिंग, और घोड़ा बेचारा, तो हम गए नहीं घोड़े पे क्योंकि सबने मना कर दिया, सब डर रहे हैं, सबको पैसों की थोड़ी फिक्र है, जान की जान, ले तो 100 ही रुपए रहे, उसको कोई बड़ी चीज नहीं, लेकिन वो भाई सोचा कि फोटो शूट कौन बोलेगा, बोले मैं हूं ना डायरेक्टर, पानी में चढ़ाओ यहाँ चलाओ एक्शन में एक्शन, तब मैं कर दूंगा, मैं भाई तो पैसे नहीं लूंगा, मैं ठीक है भैया पसंद तो नहीं आएगा, मैं मन मना चुके हैं, अभी हमारे एक सब्सक्राइबर आया भैया, इन्होंने भी इंस्टाग्राम पे स्टोरी देखी है हमारी कि हम किशनगढ़, मैंने बस डाली तो किशनगढ़ ये भी डाला डंपिंग यार्ड, बताना मत कि हमने पैसे दिए थे, तो भैया आए और ये भैया कह रहे कि सो रहे थे और इनको उठा के ले आई है, सही बात है, थैंक यू सो मच, क्या नाम है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अरे बहुत प्यार दे, बिल्कुल, क्या नाम है आपका, अरियन जैन, अरियन जैन भाई थैंक यू सो मच, फाइनली हम पहुंच चुके हैं और जिस पर्पस के लिए मैं आया था वो ये रहा इसमें, मुझे मतलब नहीं है भाई तुम्हारे इन सफेद पहाड़ों से, तुम्हारे भाई को मतलब है खाने से, चम्मच से नहीं खाते, चना जोर गरम खाने का तरीका ये यू,
ये देखो मिकू जो अपने सिविल लाइन में बढ़ाता है ना वो सिखा रहा है। ले सिखा दे बच्ची को सिखा। अभी हम एकदम टॉप पे हैं, इससे ऊपर तो कहीं नहीं जा सकते भाई, ऊपर सीधे हेवन है। और यहाँ से ऊपर सूरज है और इधर से इसका रिफ्लेक्शन आ रहा है, जब सनसेट होगा ना आए हाय क्या फोटो आएगी। हम घर पे होंगे, फोटो आएगी लेकिन उसके लिए शक्ल और कपड़े इसलिए नहीं आ पाएगी। ये तो कपड़े पहन लेगी तो सुंदर हो जाएगी। अपन अपन क्या अपन कपड़े भी पहन लेंगे, शक्ल का क्या करेंगे अपन दोनों? गोरे हो जाओगे, गोरे हो जाओगे आप समझे? मुंह अभी रगड़ लूंगा देखो। और ये पूरा दूर दूर तक ना ये मार्बल का पाउडर है। अभी पहले हम वहाँ खड़े थे, अब यहाँ और यहाँ से तो भाई ये और प्यारा लग रहा है। बल्कि ये देखो रुके 0.5 में करने, तो 0.5 नहीं होता क्या? होता है। अब देखो भाई और प्यारा लग रहा है भाई, वहाँ से ज़्यादा अच्छा तो इधर से लग रहा है यार। अपन फालतू इधर खड़े थे, कितना बढ़िया आ रहा है यहाँ से तो भाई साहब। टाइम हो रहा है अभी 5:45 और हम लोग किशनगढ़ डंपिंग यार्ड घूम के आ चुके हैं। फोटोज वोटोज खिंचा ली, थंबनेल ले लिया, अब घूम लिए, मजे कर लिए, सब कुछ कर लिए। अब हम जा रहे हैं घर की तरफ पिक्चर देखने। 7:30 बजे हमारी मूवी है तो अभी हम घर निकलेंगे। भैया को हम छोड़ेंगे और भैया हमारे पीछे पड़े हुए कि एक जगह और लेके चलता हूँ आपको घुमा लाता हूँ। बट हमारी अगर मूवी नहीं होती तो हम पक्का जाते, लेकिन अगली बार जब भी हम किशनगढ़ आएंगे हम ये वाला बहाना नहीं लेके आएंगे कि हमें पिक्चर जाना है। अब मैं और ऐसा प्लान कर रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम अगर कभी किशनगढ़ आएंगे ना तो भाई तो आएंगे थार से, और पुष्कर भी जाके आएंगे और यहीं से, यानी ऐसे किशनगढ़ अजमेर पुष्कर और थार लेके जाएंगे। तो प्लान तो ऐसा कुछ, हाँ ऑफ रोडिंग का मजा, क्योंकि वो जगह ऐसी वहाँ पे थार चलाने का मजा आ जाए। बेनी से होती है ऑफ रोडिंग, तो क्या बात कर रहे हो आप? हाँ हमारी भी है, सेमी 4x4 है हमारी गाड़ी, बढ़िया चल रही है। देखो हम घूम फिर के आए और भैया की दुकान पर आए, और भैया हमारी सेवा देखो कैसे कर रहे हैं बताओ यार। सिर्फ 4 से मेरा क्या होगा? इनके लिए भी तो लाओ, इनके लिए भी तो लाओ। नहीं भाई 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 तू ही खाना, मैं एक भी नहीं खाएंगे, तू खा ले भाई सारे खाने। ये तो वो दिखता है, ये वो लग रहा है मेरे को, मिश्री मावा है ना, मिश्री मावा है ना, सफेद वाला कलाकंद, कलाकंद ही है। कम के बाद नेक्स्ट बारी है किशनगढ़ की शाही कचौरी, एकदम शाही कचौरी है। और ये सिर्फ शाही लोगों के लिए होती है। तू नहीं ओ कदम भी कर दिया वो थे। सभी टाइम हो चुका है 6:15 और 7:30 की मूवी है, ठीक है पहुंच पाते हैं क्या? 1 घंटे 15 मिनट है हर्ष, यू कैन डू इट। 103 किलोमीटर है जयपुर यहाँ से, और भैया हमारे साथ जयपुर जा रहे हैं, इनको हम ले हम कहा चलो जयपुर। भैया एक्चुअली कुछ काम से, भैया को जयपुर का किशनगढ़ दिखाएंगे। भैया को कुछ काम था जयपुर, तो इन्होंने कहा मैं भी चलो, चलो मजे करते हैं। तो अब सीधा मिलता है आपसे जयपुर में।